सरकारी सिस्टम से पीड़ित ज्यादातर ग्राम पंचायतों के ग्राम प्रधान राजधानी लखनऊ मोहनलालगंज क्षेत्र के भावाखेड़ा के ग्राम प्रधान चंदन सिंह ने लगाए सरकारी सिस्टम पर गंभीर आरोप। भावाखेड़ा में बनी गौशाला में आवारा जानवरों की संख्या लगभग 300 है। वह एक जानवर को भोजन के लिए 30 रुपये देती है सरकार, जबकि एक जानवर के भोजन की लागत लगभग आती है 40 से 50। ये गौशाला की जो व्यवस्था है किसानों की फसल को बचाने के लिए, जो सरकार द्वारा ये अस्थायी पशु आश्रय केंद्रों की जो व्यवस्था की गई है, उसमें प्रत्येक पशु को 30 रुपये दिया जाता है, जिससे गौशाला का संचालन किया जाता है। और 30 रुपये जो सरकार देती है उसके लिहाज से संचालन व्यवस्था में काफ़ी समस्याएं हैं, इसलिए 8 रुपये किलो भूसा है, 30 रुपये मिलता है और 8 रुपये किलो भूसा है, 8 × 24 = 8 × 32। अगर 4 किलो हम भूसा लेते हैं तो 32 रुपये का होता है, अगर 3 किलो लेते हैं 24 रुपये का होता है। और उसी में हम सैलरी भी देते हैं वर्करों को, यहाँ पे 300 जानवर है यहाँ पे, और उनको हम सैलरी भी देते हैं। तो एक पशु पे 1.5 किलो भूसा सुबह और 1.5 किलो भूसा शाम को, सरकार के मानक के अनुसार 3 किलो का डाइट है, 3 किलो में पशु जीवित नहीं रहेंगे, सरकार को पता है। और इसमें बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियां प्रधानों के ऊपर तय की गई हैं कि ग्राम प्रधान इसका संचालन करें, लेकिन किस प्रकार करें ये विषय है। सबसे मेन विषय हम लोग पीड़ित हैं, इस समय पीड़ित इसलिए हैं कि 30 रुपये में अगर ये 2 किलो भूसे सुबह 2 किलो शाम को देंगे तो ये पशु मरेंगे। अगर पशु मरते हैं तो हमारे विभाग के कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई होती है। तो इसकी आवाज़ आपने कहीं आगे उठाई? नहीं, कई बार हम लोग उठा चुके हैं। हम लोग जो है कि फेसबुक प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया, इंटरनेट, जो भी अपने प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से उठाते हैं।